जहां एक तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है तो वहीं दूसरी ओर गरीब भूख से दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीने की 28 तारीख को झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में भूख से तड़प तड़प कर एक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। 11 वर्षीय बच्ची संतोषी के परिवार को आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक न होने के कारण कई महीनों से पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा था। बच्ची ने बात बात कहकर दम तोड़ दिया था। और पिछले हफ्ते राज्य के धनबाद जिले में एक 45 वर्षीय रिक्शा चालक बैजनाथ रविदास की कथित तौर पर भूख के कारण मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने बैजनाथ की मौत का कारण बीमारी बताया था और बिना पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार करवा दिया था। और अब एक और ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। देवघर जिले के भगवानपुर गाँव में 62 वर्षीय रूपलाल मराड़ी की भूख से मौत होने की बात बताई जा रही है। आपको बता दें, मृतक की बेटी के अनुसार उनके पिता के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन पर मैच नहीं होने के कारण पिछले 2 महीने से उनके परिवार को पीडीएस के तहत मिलने वाला राशन नहीं दिया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला था। एक पड़ोसी ने थोड़ा भात दिया था, वही खाकर पूरे परिवार ने किसी तरह अपना पेट भरा। तो वहीं इस मामले में देवघर के मोहनपुर ब्लॉक के विकास अधिकारी ने कहा है कि इस परिवार को सितंबर महीने का राशन मिला था, ऐसे में भूख से मौत की बात गलत है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।